नमस्कार, मैं दुलाराम शर्मा, राजकीय माध्यमिक पाठशाला थ्यारा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से। मैं जब अपनी कक्षा में प्रारंभ में जब विद्यालय में आया तो मुझे लगा, मैंने बच्चों का अध्ययन किया तो मुझे लगा कि भी बच्चों की जो है संस्कृत विषय के प्रति कोई भी रुचि नहीं थी। बच्चे उस विषय की ओर ही आकृष्ट नहीं होते थे। अब उनका घरेलू परिवेश ऐसा था या विद्यालय में कुछ समय से अध्यापक का जो पद रिक्त था उस कारण से रहा होगा, पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिसे बच्चों के अंदर एक तो उच्चारण में उनके संस्कृत के विशेष रूप से शुद्धता आए और उनके शब्दकोश में भी वृद्धि हो, उनके अंदर एक ऐसी प्रतिस्पर्धा करवाई जाए। तो उसके लिए मैंने जो नवाचार किया, संस्कृत के शुद्ध उच्चारण से शब्दकोश में वृद्धि कैसे हो, उसके लिए मैंने जो है बच्चों को प्रतिदिन अपने रोजमर्रा के जीवन से या अपनी कक्षा अपने जो पाठ्यक्रम है उसमें से मैंने बच्चों को जो है प्रतिदिन 2 से 3 अक्षर लिख करके लाने को कहा। 2 से 3 शब्द लिखेंगे, उसका मैंने संस्कृत में अनुवाद करके बताऊंगा। और इस प्रकार से जब बच्चे लिखते लाते गए और मैं उनको बताता गया तो, और फिर मैंने उनसे कहा कि भी आपका हफ्ते में एक दिन एक सामूहिक रूप से एक टेस्ट लिया जाएगा और जो बच्चा इसमें टॉप करेगा, मतलब जिसका उच्चारण अच्छा होगा और जिसका जो है लिखने का वो अच्छा होगा, उसको मैं जो है अपने क्लास का मॉनिटर बना दूंगा। तो उससे हुआ क्या कि जो कक्षा में शुरू में बच्चों ने चलो इतना उसमें सहयोग नहीं किया, पर जब मैंने उनका टेस्ट लिया और एक जो बिल्कुल ही बच्चा ऐसा था बेचारा, अब उसके अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं था, मैंने उसको मॉनिटर बना दिया कि इसने बहुत अच्छा किया, तो जो उसका जो कॉन्फिडेंस जागृत हुआ और वो जो प्रतिस्पर्धा शुरू हुई वो देखने के लायक थी। बच्चों के अंदर ऐसी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई उसे कि हर बच्चा जो है मेरी कक्षा में मॉनिटर बनना चाहता था। और उनके अंदर ऐसी प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो गई कि वो जो है 2 नहीं 4 नहीं बल्कि 10-10 अक्षर शब्द अब लिख करके लाते, उससे भी ज्यादा लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें नवाचार ये हो गया कि एक तो वो भाषा सीख पाए और दूसरा जो है उनके अंदर जो प्रतिस्पर्धा की एक ऐसी भावना थी जो उनको कहीं ना कहीं अपने विषय में आगे तक ले जाएगी, ये इस नवाचार का एक लाभ हुआ। और मैंने इस लाभ का जो फल देखा आज के समय में मेरी कक्षा में विशेष रूप से, मैं संस्कृत के कॉलेज की बात करता हूं तो मैक्सिमम 90% बच्चे ऐसे हैं जो इसमें 10 से 12 शब्दों को लिख लेते हैं, वो भी एकदम नए, जो मतलब रोजमर्रा के कक्षा कार्य के या अपने दैनिक जीवन से कहीं से भी उठा करके ला सकते हो, वो उसको लिख सकते हैं। और उनके अंदर ऐसी प्रतिस्पर्धा है कि हर बच्चा अगर एक हफ्ते में एक मॉनिटर है तो दूसरे हफ्ते में दूसरा भी बनने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक ऐसी प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है उन दोनों। और जो और भी बच्चे जो भी पूरी पूरा स्कूल विद्यालय है उसके उपरांत एक पूरे ही विद्यालय का जो हेड बनेगा विशेषकर संस्कृत का, वो जब सामूहिक उनका आकलन होगा उसमें से बनता है, पर विशेष रूप से कक्षा का जो मॉनिटर है वो वही बनेगा जो भी जिसका उच्चारण बढ़िया होगा और जो शब्दों को अच्छी तरह से लिखेगा। इस प्रकार जो है बच्चों के अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, मतलब उनके अंदर ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं है कि भी वो किसी का कंपटीशन ऐसा, उनका कंपटीशन मात्र और मात्र केवल संस्कृत को लेकर होता है। और अब तो बच्चे संस्कृत बोलते हैं, हर चीज का वो संस्कृत में नाम लिखते हैं, जो जहां पर उनको दिक्कत आती है वहां पर मैं खुद बता रहा हूं, हम जो है कहीं नेट की मदद लेते हैं जो मुझे अपनी ओर से कोचिंग या फिर संस्कृत शब्दकोश की भी हम सहायता लेते हैं। और इस प्रकार से जो है ये जो मेरा नवाचार है ये बच्चों में इतना कारगर सिद्ध हो गया है कि मुझे इतना विश्वास है कि आने वाले समय में यही मेरा नवाचार मेरे बच्चों को संस्कृत में काफी आगे तक ले जाएगा।